यहाँ पर मैं दिखाने लगी हूँ 19 फेब की ही रिकॉर्डिंग का पार्ट टू, जहाँ पर डिस्कशन हो रही थी हमारी लगेज रिलेटेड और प्राम रिलेटेड, और बच्चे के साथ अगर आपने ट्रैवल करना है तो उससे रिलेटेड डिस्कशन हो रही थी। तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखाती हूँ, इसके आगे हमारी रिकॉर्डिंग चलने वाली है जी 2022 की, जहाँ पर डिफरेंट सीन्स हुए हैं। मतलब मैंने रोज़ की रिकॉर्डिंग ऑफिस से नहीं की है, तो छोटे छोटे चंक्स जो जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो दिखाती हूँ इसके अंदर। तो चल के देखते हैं रिकॉर्डिंग। प्रैम स्ट्रॉलर की बड़ी कन्फ्यूजन थी, मुझे भी थी। अच्छा, प्रैम का फ़ायदा बड़ा है अगर आप प्रैम लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज बच्चे को कैरी करना विद अ सामान इज़ अ थिंग, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ना प्रैम भी आपको लेनी पड़ेगी और आपको साथ अपना सामान उठाने के लिए कार्ड भी लेनी पड़ेगी, और उन दोनों चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल करोगे ये समझ से बाहर है, ठीक है ना। तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी कि प्रैम अपनी अगर आपने लेके जानी है, साथ लेके जाएं, उसको अपने लगेज में बुक करवा दें। इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे भी मज़ीद दूंगी, यहाँ पर भी देती हूँ कि लगेज में भी बुक कराने का ये सिस्टम है कि जैसा फॉर एग्जाम्पल आपका एक कैरी बैग 7 kg का है, तो आपकी प्रैम का वेट 5 kg, 6 kg, 7 kg, नॉट अबव देन 7 kg, ठीक है, 7 kg के अंडर की ब्रैकेट में होना चाहिए। आप अपने एक कैरी बैग की जगह प्रैम बुक करवाएंगे, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि आप दो कैरी बैग्स भी लेके जा रही हैं और उसके साथ एक प्रैम भी लेके जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रैम लेके जानी तो आपको एक कैरी बैग की कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसकी जगह आप प्रैम बुक करवाएंगे, विच मीन्स कि आप उसको एयरपोर्ट्स पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो बुक हो जाएगी पीछे लगेज के अंदर, जो आपको आपके डेस्टिनेशन पर उतर के आपकी फ़्लाइट सफ़र ख़त्म होने के बाद मिलेगी, आपको लेओवर पे नहीं मिलेगी। तो कीप दैट थिंग इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप प्रैम लेके जा रहे हैं इस मकसद के लिए कि आप एयरपोर्ट पे यूज़ करेंगे, तो आपके पास फोल्डेबल प्रैम होनी चाहिए जो कि प्लेन के अंदर जा सकती है। इसकी रिक्वायरमेंट्स आप अपनी एयरलाइन से भी पूछ सकती हैं, वो आपको डायमेंशंस, वेट सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना। और अगर वो फोल्डेबल नहीं है तो वो लगेज में ही जाएगी और उसका आपको एयरपोर्ट पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ एयरलाइंस 2 स्ट्रॉलर देती भी हैं, मुझे नहीं मिला था, मेरी एयरलाइन पे कोई स्ट्रॉलर नहीं उन्होंने मुझे दिया था, लेकिन कुछ एयरलाइन जैसे दुबई एमिरेट्स देती है स्ट्रॉलर, और प्रॉबेबली दुबई में देती है वो, तो इस तरह का भी एक सीन हो सकता है, तो दैट यू कैन चेक विद योर एयरलाइन। सो दैट्स द थिंग। सो उसके बाद आज हम गए थे बाज़ार, एक सिंपल बाज़ार जहाँ से स्ट्रेनर, जहाँ से छोटी मोटी चीज़ें हमने ली, और लेने में छोटी मोटी चीज़ें गई थी, लेकर मैं थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आई हूँ, नॉट श्योर उनको लेकर कैसे जाना है। मैं अपने आप को बहुत रोक रही हूँ, आई हैव बीन टू मैनी डॉलर शॉप्स, आई लव डॉलर शॉप्स हियर। सो उनके पास बहुत मज़े मज़े का सामान था, बट आई अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट बाई दैट एनी मोर, आई कैन नॉट हैव इट, बिकॉज लेके जाने का मसले, ऑब्वियसली जितना सामान कर लूँगी अपने पास। लिटरली आज मैं बाज़ार गई थी, आई वॉज एक्चुअली वेइंग द थिंग्स, मैं हर एक चीज़ का वेट करके देख रही थी कि वो कितनी है, ताकि मैं उसको लेके जा सकती हूँ कि नहीं लेके जा सकती। सो दैट्स द थिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रही थी मसाले की बॉटल्स की एंड स्टफ़ लाइक दिस, कि वो वहाँ से महंगा मिलता है, तो पाकिस्तान से मैं लेके गई भी थी, लेकिन ये है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जैसा जैसे पाकिस्तान में दराज चलता है, यहाँ पर एक चलता है टेमू और एक चलता है शीन, ठीक है। उधर आपको बड़े रीजनेबल प्राइस पर हर किस्म की प्रोडक्ट मिल जाती है। अभी तक सो फार मैंने जो भी चीज़ें मंगवाई हैं, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ ठीक रहा है, ठीक है। दराज जैसी प्रोडक्ट्स ही आती हैं, सम आर गुड, सम आर वेरी गुड, सम आर नॉट सो गुड, ठीक है। तो उस तरह की चाइनीज वैरायटी भी आपको मिल जाती है बीच के अंदर। तो मतलब जैसे आप दराज का जो एक्सपीरियंस रहा आपका उधर का, कि कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, कुछ बस ऐसी होती हैं, सेम केस यहाँ पर। और इवन आपको दराज वाली भी सारी यहाँ पर मिल जाएंगी ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। मुझे यहाँ पे ऐसे फील होता है कि वो दराज से ज़्यादा रीजनेबल प्राइस की है यहाँ पे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ब्रिंगिंग योर स्टफ फ्रॉम देयर। ये छोटी छोटी जो चीप चीज़ें होती हैं किचन की, क्या कह लो, यूटिलिटीज़ और एक्सेसरीज़, वो आपको यहाँ पर बड़े ईजिली मिल जाएगी, बल्कि बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। सो डोंट गो फॉर दैट। आई एम वेरी कंसर्नड अबाउट द बर्तन थिंगी नाउ, बिकॉज अब दो चीज़ें रह गई हैं मेरी लाइफ में। एक तो मुझे अब 2 सूटकेस, मैं पैसे बचा रही थी कि एक सूटकेस और ले लूँ, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही हैं। तो 2 सूटकेस नॉर्मल, मुझे कोई ख़ास बहुत फैंसी नहीं चाहिए, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द फैंसीएस्ट वन एंड द एक्सपेंसीएस्ट वन। सो मेरे पास एक्सपेंसिव वाले ऑलरेडी हैं। सो आई एम लुकिंग फॉर
यूज्ड एक्चुअली, बिकॉज लोकल जो यहाँ पर मुझे सस्ते में मिल रही है, 5-7 हज़ार का मिल रहा है 20-30 kg वाला, वो चाइना की हैं और उनके साथ हमारे एक्सपीरियंस रह चुकी हैं, वो हम ले चुकी हैं, वो एयरपोर्ट इधर के एयरपोर्ट पर ही निकल जाती हैं, तो डू नॉट गो फॉर द चाइना थिंगी एंड लोकल, यहाँ के लोकल बाजार वाले। वैसे तो ब्रांडेड का भी कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लोकल इन एनी वे नहीं अच्छी होती हैं, अनटिल अनलेस अच्छे सूटकेस ब्रांड की आप चीज़ ले रहे हो, विच आई ऑलरेडी हैव वन फोर व्हीलर, सेकेंड का मुझे पता नहीं इट्स फोर व्हीलर और टू व्हीलर, आई नीड टू चेक दैट। सो दो बैग्स हैं मेरे पास ऑलरेडी, बट क्योंकि 2020 का रेशियो करना है तो आई नीड टू मोर बैग्स नाउ, टू मोर लगेज बैग्स, वन इज हैंड कैरी बैग, बिकॉज एक हैंड कैरी सूटकेस मेरे पास है, एक हैंड कैरी में सोच रही हूँ कि हाथ में पकड़ने वाला विद द टायर्स जो एक होता है वो कर लूँ, ताकि मैं अपने सूटकेस के ऊपर उसको अटका सकूँ। सो दैट्स द प्लान, बेसिकली आई नीड थ्री बैग्स नाउ, पैसे बहुत कम है, थ्री बैग्स, सो दैट्स द मेन थिंग जो अब मुझे करनी है। ही सिंगिंग अ सॉन्ग अर्जुन वेली ने, चोर के नसी मारी गंडा सी मारी। अच्छा सो एनीवे, तो ये अच्छा, और एक ये जो मुझे शिपिंग के लिए करना है, एंड दीज टू आर लाइक मेजर कंसर्न्स, एंड इनका मुझे भी कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। सो सूटकेस वाला तो चलो पॉसिबल है, वी विल गो, मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि कहाँ से यूज्ड अच्छे टैची मिल सकते हैं आपको, बिकॉज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द यूज्ड वन, बिकॉज वो होते हैं इम्पोर्टेड, तो इम्पोर्टेड के आपको ये पता होता है कि वो टूटेंगे नहीं, तो इट विल बी माई फर्स्ट टाइम, बट ये माइंड में है कि एक तो इकोनॉमिकल पड़ेंगे और दूसरा वो मजबूत होंगे, तो लेकिन ये कि ये काम मैं नहीं कर सकती, बिकॉज एक तो मैं चीज़ एक्सपेंसिव लेकर आऊँगी, दूसरा मुझे पहचान नहीं है तो मैं ख़राब चीज़ लेकर आ सकती हूँ। सो ये मैंने डैडी को बोला, ये जिम्मेदारी उनकी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सूटकेस वाला मसला तो चलो हो ही जाएगा, सम वन वे और अदर ले ही आएंगे। कंसर्न्ड अबाउट द क्रॉकरी थिंगी, अब अगर मैं इनको लाइव डाल रही होती तो शायद मुझे कोई कमेंट मिल जाता कुछ। सो दैट्स द अपडेट फॉर टुडे, 20th Feb, और लेटेस्ट अपडेट ये है कि सामान की पैकिंग के लिए आज सच तो कुछ नहीं मिला, बट कुछ सजेशंस और आइडियाज़ मिले हैं जो कि पहले भी बैक ऑफ द माइंड तो थे ही मेरे, बट लेटेस्ट ये है कि अभी मैं जाऊंगी बागू भाई के साथ इन अ वाइल, और आई विल फाइंड द बबल रैप, थर्मोकोल शीट और कार्टन्स, एंड देन मैं और मेरा पूरा कुंबा मिलके तो जो बर्तन हमने लेके जाने हैं उनको पैक करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस, अगर तो सही सलामत पहुँच गए तो यू विल गेट द अपडेट, अगर नहीं पहुँचे तो भी यू विल गेट द अपडेट। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि अब शैला दी का रिश्ता हो चुका है, तो स्पीडली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अब उनके घर जाना पड़ेगा। पंजाबियों में एक रस्म होती है तली तला जिसे कहते हैं, या बहुत से और नाम होते हैं इसके, मुझे और नहीं पता, रस्म करना बेसिकली कहते हैं, हाथ में कुछ पैसे रख के आते हैं, रोका भी कहते हैं इसको, तो उसके लिए हमारी इमीडिएट फैमिली जाएगी जिसमें आई एम द बड़ा एज वेल। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं किसी रस्म में शामिल होंगी बींग अ बड़ा, नहीं तो हमेशा हमें घर पे छोड़ रोक दिया जाता था कि छोटों का काम नहीं है, बड़े बड़े जाएंगे। तो प्रॉब्लम मामा पापा, अम्मी डैडी, सोनिया दी, नजम भाई, और यहाँ से सोनू भाई, सदब भाभी और मैं, भाभियाँ डेफिनेटली हम लोग जाएंगे, तो वील डू दैट रसम। तो उसकी भी जितनी अपडेट दे सकी, जितनी वीडियो बना सकी आई विल मेक। प्राइवेसी कंसर्न्स थोड़े से होते हैं डेफिनेटली, तो आई विल प्रॉब्ली नॉट रिकॉर्ड द इंटायर फैमिली एंड इंटायर थिंगी जब तक शादी वाला सीन नहीं हो जाता, तो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज दैट पार्ट, फेयर इनफ। तो सेकेंड अपडेट ये है, तो अब बीच में जो मेरे डिनर शिनर्स और ये वो सारा कुछ चल रहा था उसके अंदर बीच में अब ये भी एक आ गया है सीन, हमारी शुक्रगुजारी की एक दुआ होगी मेरे जाने से पहले मोस्ट प्रॉब्ली, जिसके अंदर शुक्रगुजारी हम शैला दी के रिश्ते की भी करेंगे, एंड वील हैव लाइक एक छोटी सी प्रेयर वाला, और उसके बाद वील हैव सम काइंड ऑफ अ छोटी सी पार्टी जो हम प्लान करें, ढोलकी वगैरह टाइप कुछ, बिकॉज मैं चाह रही मेरे जाने से पहले कोई एक छोटा सा फंक्शन हो जाए जो मैं, बिकॉज आई डोंट नो
शादी का प्लान होती है, हम उस पर आ पाती हैं कि नहीं, बिकॉज बीइंग अ बड़ा भाई साइमन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जहाँ हम खर्चा करेंगे अपने आने का, प्रॉब्ली हम वही खर्चा जमा करके तो शादी में कंट्रीब्यूट करें. सो यू नेवर नो कि क्या सिस्टम होता है. ऑल्दो मेरी बहुत 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 ख्वाहिश है कि मैं यहाँ अब एक शादी अपनी मर्ज़ी से अटेंड करूँ और सारा कुछ हम अपनी मर्ज़ी से प्लान करें और होपफुली कोविड का कोई सीन ना हो उस वक्त तक. सो दैट्स द थिंग्स, बट इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स वेरी गुड न्यूज़. तो ये चल रहा है वहाँ पर. थर्ड न्यूज, थर्ड अपडेट ये है कि साइमन का बर्थडे आ रहा है 23 फरवरी को. एंड बीइंग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ही डजेंट लाइक कि मैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल जाके उनके लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके उनको भेजूं, जो कि आई हैव ट्राइड इन द पास्ट. और एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि फ्रेंड के थ्रू करवाया और उस फ्रेंड ने पैसे नहीं लिए, तो अच्छा नहीं लगता कि दोबारा दोबारा मैं उनको बोलूँ कि आप भोकट में मुझे डिलीवर करवा दो चीज़ें. सो वो सारी चीज़ें मैं गिफ्ट्स रखूँगी अपने पास, वो जाके इकट्ठे दूँगी एक साथ ही. बट फिलहाल आई वॉन्टेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर हिम, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो. वीडियो भी मैं पिछली दफ़ा बना चुकी हूँ, उनकी पिक्चर्स जोड़ के नीचे एक अच्छा सा कैप्शन डाल के, लंबे से पैराग्राफ वाला, वो भी हो चुका है. इस दफ़ा कुछ डिफरेंट प्लान किया है, लेट्स सी इसको मैं एग्जीक्यूट कर पाती हूँ कि नहीं. सारी लड़कियों को ऑन बोर्ड ले लिया है. सो लेट्स सी वो क्या करती हैं. और फोर्थ अपडेट ये है कि मेरा आज स्कूल का फेयरवेल था, सपोजिटली 4 बजे आज हमने जाना था, बट इट गॉट पोस्टपोन्ड बिकॉज मैचेस चल रही हैं और कजाफी के पास ही हमारा स्कूल पाया जाता है और प्रॉब्लम हमने उसके करीब ही कहीं पर जाना था लंच के लिए भी, तो मैचेस के ऐसे रास्ते सारे बंद हैं. सो instead of getting stuck in the traffic, they've decided to postpone it. अब पता नहीं वो कब होता है. I don't want कि चीज़ें मिक्सअप हो जाएँ. बाल कलर कराने हैं, जिस बंदे से कराने हैं उसका अभी टाइम नहीं मिल पा रहा. मेरी कोशिश है कि ये जो डिनर्स और ये फेयरवेल्स और ये जो रस्में, इनसे पहले मैं अपने बाल अब कलर करा लूँ ताकि मैं इन फंक्शंस में अपने न्यू लुक के साथ शामिल हो सकूँ. सो दीज आर द अपडेट्स. कल बाज़ार गए थे, छोटी मोटी चीज़ें लेकर आए हैं, स्टेनर और कैंची लेकर आई हूँ एक धनिया पुदीना काटने के लिए, और इस तरह के छोटे छोटे जो स्टफ़ होते हैं ना, मसाले की बॉटल, मतलब मसाले का कंटेनर, इस तरह की चीज़ें, दैट आई विल डिस्क्लोज प्रॉब्ली वहाँ जाकर. जितनी चीज़ें वहाँ पर पहुँचेंगी वो निकाल के दिखाऊंगी कि पाकिस्तान से कितनी चीज़ें कहाँ से लेकर आई थी. सो दैट्स दी लेटेस्ट अपडेट. अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ना बड़ी पुरानी क्रीम पड़ी हुई है, तो मैं उस क्रीम से एक मूज बनाऊँ, जो कि मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ और मैं नहीं कर पा रही. फेब की रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ यहाँ पर. अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट मूज बनाई थी विद जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स, दैट इज जस्ट द क्रीम एंड डार्क चॉकलेट, नॉट इवन द सिंपल चॉकलेट. आप चाहो तो उन शुगर वगैरह डाल सकते हो, आई एम नॉट दैट मच फैन ऑफ शुगर. और मैंने थोड़े से नट्स डाले थे एंड पर. उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ही दूंगी. यू कैन क्लिक द लिंक एंड गो टू दैट, अदरवाइज इससे पिछला एपिसोड वही है तो आप जाके वो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग. अच्छा, उसके बाद ये सीन हुआ था, जनाब के डैडी पता के आए थे पुलिस क्लियरेंस फॉर्म के लिए, तो उसके लिए मेरा वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी था, मेरा जाना जरूरी था. तो डैडी के साथ मैं गई थी अपने नियर बाय जो मेन पुलिस स्टेशन होता है वहां पर, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता कि जहां पर हम गए थे, जो हमारा मेन सेंट्रल पुलिस स्टेशन लगता है, वो एक काफी बड़ा सारा पुलिस स्टेशन बना हुआ था. इट्स नॉट लाइक द जेल थिंग और ये वो, मेरे दिमाग में वही चल रहा था. इट वॉज एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे. आपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है आप उधर के बारे में उनको बताते हो, एंड यू कैन गो देयर, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर दैट, डोंट नीड टू गो ऑनलाइन टू चेक दैट. आप बस जाते हो वहां पे, सिक्योरिटी चेक पे बताते हो, दे विल गाइड यू. आप उधर जाकर वहां पर बताओ, यू नीड टू हैव योर आईडी कार्ड विद यू, यू नीड टू हैव योर पासपोर्ट विद यू, नॉट मोर रिक्वायरमेंट्स इन दैट. आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ और लिया था. और 1500 रुपया उसकी फीस है, ठीक है. तो डैडी के साथ मैं गई थी वहाँ पे, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी. एक्चुअली मैंने थोड़ी सी फुटेज बना ली थी, देन आई रियलाइज कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि कैमरा अलाउड नहीं है, विच इज़ फेयर, क्योंकि वो एक पुलिस स्टेशन था, एक सेंसिटिव इदारा था, तो मैंने कोई खास वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं की थी. अच्छा, सिंपल आप वहाँ पर जाते हो और वहाँ पर डिफरेंट स्टेशन बने होते हैं, अपनी क्यू में लग जाओ, अपनी बारी पे आप उधर जाते हो, उनको जाके बताते हो, वो एट ए टाइम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देती हैं, एंड उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको एक फॉर्म दे देती हैं. उस फॉर्म पर जाके आप चेक करते हो अपनी सारी डिटेल्स. डू चेक दैट डिटेल बिकॉज आई डिड दैट ब्लंडर. जहाँ पर लिखा हुआ था डॉटर ऑफ
और उसके आगे लिखा होता है साइमन परवेज. एक्चुअली वो जाना ये था वाइफ ऑफ साइमन परवेज, बट वो वाइफ से चेंज होकर डॉटर बन गया और मैंने नहीं चेक किया बिकॉज ईवी मुझे बहुत तंग कर रहा था वहाँ पर, तो मैंने नहीं चेक की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. हालांकि वो आपको लाजमी एक फॉर्म देती हैं, आप उसके अंदर अपनी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, योर नेम, योर सिटी, आप कहाँ की, आपकी बर्थ कहाँ की, आपका डेट ऑफ बर्थ, और ये डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ये लाजमी चेक कर लेना. सारा कुछ चेक करके, स्पेलिंग्स चेक करके आप उनको डन करते हो और वो आपको आपकी फीस वगैरह लेके आपको एक स्लिप दे देती हैं, ओके कर देती हैं. आई थिंक विद इन अ वीक आपको वो मिल जाता है, बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाता है वो. ठीक है, जब वो आपके घर पर आता है तो फिर आपको उसको लेकर किसी भी नियर बाय कुरियर सर्विस में जाना होता है. हम लेपर्ड पे गए थे तो आप उस कुरियर सर्विस पे जाते हो और वहां पर जाकर आपने अपनी एक पुलिस क्लेम्स का ओरिजिनल और एक कॉपी और आपके आईडी कार्ड की कॉपी, ये आप सबमिट कराते हो. आई थिंक 500 फीस है उसकी, ठीक है ना. और एक कॉपी आपने लाजमी अपने पास रखनी है जस्ट टू क्लेम, खुदा न खास्ता कोई आपको वापस देता नहीं है. अटेस्टेशन के लिए बेसिकली वो जाता है, पुलिस क्लियरेंस फॉर्म पुलिस वाली बना के भेज रहे हो और फिर उसकी अटेस्टेशन अलग से होती है. ओके, तो आज या दैट्स द थिंग भाई. तो आप उधर जमा करवाते हो, ठीक है ना, तो कॉपी अपने पास एक लाजमी रखना, वो आपको रिसीट भी दे देते हैं. एंड आई थिंक विद इन अ वीक आपकी वो आ जाती है, अटेस्ट होके भी आ जाती है, ठीक है ना, एंड यू आर गुड टू गो with your police clearance form. So this is the procedure, that's how you have to proceed with your police clearance form, which is very important if you have to do job over there, like in any overseas country. And mere case mein ye ho gaya tha कि मैंने अटेस्टेशन भी करवा ली थी, एवरीथिंग वाज गुड टू गो. जब साइमन ने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे डॉटर ऑफ साइमन परवेज लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सो इट्स बेटर कि यू शुड गो बैक एंड डू इट, बिकॉज तभी तो मेरे पास सभी टाइम था, विद आई थिंक अ वीक और सो था मेरे पास ना. खैर, मैं और डैडी फिर दोबारा गए पुलिस स्टेशन उसी जगह पर, उनको हमने जाके दिखाया और उस बंदे को याद था, उसने कहा मैंने आपको पेज दिया भी था देखने के लिए कि अगर कोई गलती है तो आप अभी बता दो. तो खैर ये सीन हुआ कि उसने, मुझे लगा था कि फिर मुझे वही वाला दो वीक पे बात पड़ जाएगी कि वीक दूर मुझे एक वीक में वो मिलेगा सर्टिफिकेट दोबारा बन के और मुझे फीस भी दोबारा देनी पड़ेगी और उसके अगले वीक में मुझे फिर उसकी अटेस्टेशन के लिए दोबारा भेजना पड़ेगा. बट वो बंदा बहुत अच्छा था, वेरी कोऑपरेटिव पुलिस वाला, उसने उसी वक्त जाके मेरा रिकॉर्ड निकाला, उसमें उसने करेक्शन की, वो अंदर उठ के कमरे में गया, वहाँ पर उसने उसको साइन वगैरह करवाए और एग्जैक्टली प्रिसाइजली जैसा मेरे पास पहले सर्टिफिकेट था बट विद वाइफ ऑफ साइमन परवेज लिख के मेरे हाथ में उसी वक्त पकड़ा दिया विदाउट एनी कॉस्ट. माइंड यू विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगे मेरे उसके ऊपर. तो वो मैं फिर उसी वक्त आते हुए वापसी पर ही डैडी के साथ जाके कुरियर कंपनी में, बिकॉज आई नो द प्रोसीजर. आप कुरियर सर्विस वालों के पास जाओ और आपने उनको जाके बताना है कि मुझे अटेस्टेशन करवानी है इसकी. वो आपको एक फॉर्म देती हैं और उस फॉर्म के अंदर एक जगह पर लिखा होता है कि आपको पुलिस क्लियरेंस की अटेस्टेशन करवानी है. आप उस फॉर्म को टिक करते हो, अपने साइन वगैरह करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, घर का एड्रेस वगैरह ये वो, एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है. अच्छा, मेरा वो सर्टिफिकेट इज स्टिल इन पाकिस्तान, बिकॉज फिर जब उसको अटेस्टेशन के लिए भेजा तो वो आई थिंक एक वीक तो लेता है अटेस्ट होकर आने में. तो उससे पहले मेरी फ़्लाइट थी, मैंने कोशिश की थी कि मेरी फ़्लाइट से पहले पहले वो आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाया था. बट नॉट टू वरी, कोई पाकिस्तान से आ रहा हो आप उसके हाथ मंगवा सकती हैं वो सर्टिफिकेट. जो इनकी चलती हैं कुरियर सर्विसेज चलती हैं इंटरनेशनल, आप उसके थ्रू भी मंगवा सकते हो. इन माय केस मैंने सिर्फ उसकी एक अच्छी सी स्कैन कॉपी मंगवा ली थी और हर जगह यहाँ पे स्कैन ही चलते, ओरिजिनल कोई इतना एज सच अभी तक किसी ने मेरे से मांगा नहीं है. तो वो स्कैन पे मेरा गुजारा हो गया था. बट इट्स बेटर यू शुड हैव द हार्ड कॉपी इन योर हैंड एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. आगे मैं आपको दिखाने वाली रिकॉर्डिंग मेरे मनी बॉक्स की. हाय एवरीवन, ओके, सो दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ अ दूध का डब्बा, इट्स एक्चुअली अ मनी बॉक्स एज टैग्ड. ये मैंने किसी ज़माने में जो हमारे पास कॉइन्स जमा होते हैं, मैंने उन कॉइन्स को जमा किया था और मैंने सोचा था कि ये मैं जीवी के लिए एक ट्रेजर बॉक्स बनाऊंगी और इसको किसी मिट्टी में दबाऊंगी और जीवी को कहूंगी ढूंढे और जब वो ढूंढ लेगा तो उसको ये सारे पैसे दूंगी. बट सिंस ये करेंसी अब इंग्लैंड में काम नहीं आने वाली,
तो मैं अभी इसको एक्सचेंज कराने लगी. बट इट्स अ गुड आइडिया, यू कैन डू दिस विद योर किड्स. आई विल डेफिनेटली डू दैट ओवर देयर जब जीवी इस एज का हो जाएगा. सो दैट्स दैट. अच्छा, इस मनी बॉक्स में से ना कोई 500-700 के करीब कॉइन्स निकले थे. आफ्टर वेडिंग मैंने ये जमा करना शुरू किया था. इट्स बिन 3.5 ईयर कि मैं वो कॉइन्स वहाँ पे जमा करती हूँ. ऑब्वियसली कॉइन्स इतने चलते नहीं है तो अब इतने ज़्यादा होते भी नहीं है. तो बस ये होता था कभी कभी साइमन के पॉकेट से निकल आते थे लॉन्ड्री शॉन्ड्री करते हुए, तो मैं जमा कर लेती थी. तो इतने से निकले थे और डैडी ने कहा कि ये तो कॉइन्स अब कोई भी नहीं लेगा इतनी बड़ी तादाद में, तो कोई भी नहीं कॉइन्स लेगा. खैर, इसमें से कुछ कॉइन्स मैंने संभाल लिए थे, जैसे 5 रुपए का 10 रुपए का एक कॉइन था, मतलब जो यूनिक थे, जो पुराने 1 रुपीज़ के 2 रुपीज़ के कॉइन्स चलते थे वो मैंने कुछ संभाल लिए थे. बाकी मैं उधर ही दे आई थी. मैंने उनको कहा था कि जब बच्चे जिजियाँ जुजियाँ लेने जाते इसी में से थोड़े से कॉइन निकाल के उनको दे दो. वैसे तो कॉइन्स आजकल बच्चे भी नहीं लेते हैं, तो मैंने उनको कहा था किसी किराने स्टोर वाले को दे देना, उनकी चांदी हो जाएगी क्योंकि उनको कॉइन्स चाहिए होते हैं. तो आई डोंट नो अब उनका क्या किया, मैंने दोबारा कभी पूछा भी नहीं, वैसे मैं पूछूंगी. तो दैट्स ऑल अबाउट इट. ये कौन सी करेंसी है? 10 रुपए की होंगी ये. नहीं, ये यहाँ पर डैडी बीइंग अ बैंकर एक एक कॉइन को गिन भी रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं. जी जनाब, यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग दिखाई है मैंने 20 से लेके कोई 21 तक की, जहाँ पर मैंने आपको प्राइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी है और पुलिस क्लियरेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी है. मोफा से अटेस्टेशन होती है, जो मेरे उस दिन दिमाग में नहीं आ रहा था रिकॉर्डिंग करते हुए. मोफा एक जगह होती है जहाँ से आपने अटेस्टेशन करवानी होती है, जो कि आप अपने किसी भी कुरियर सर्विस पे जाकर तो वहाँ से अटेस्टेशन करवा सकते हो. और वहाँ पर लिखा होता है, आपने उनको जाके बताना है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन चाहिए, वो आपको वहाँ पर मार्किंग कर देंगे. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, नॉट टू एक्सपेंसिव टू डू इट. तो दिस इज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन इफ यू आर applying for abroad. और आपको मतलब जो basic, क्योंकि England के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई requirements होती हैं, लेकिन हाँ, these are some very core and basic requirements that if you wanted to do job here और आप यहाँ पर shift होना चाह रहे हैं, तो it's a very generic thing कि आपके पास ये information होनी चाहिए. नेक्स्ट आपको दिखाने लगी हूँ रिकॉर्डिंग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर साइमन का बर्थडे, कि हमने उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया. उससे पहले मैं छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स डालूंगी जो हमने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, जो मैंने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया था, उनके साथ करवाई थी. और फिर मैं वो एपिसोड दिखाने के बाद, पूरा व्लॉग दिखाने के बाद आपको ब्लूपर्स भी दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें. सो फिलहाल के लिए चाओ.